आप लगातार इस तरह काम कर रहे हैं। राजनीतिक लोग कार्यक्रम करते हैं जब उन्हें राजनीति करनी होती है। इस मिथक को हम बदलना चाहते हैं, पहले समाज है और फिर समाज के लोग हैं, तब जाकर के वो नेता बनता है। और अगर वो पहले नेता बनता है समाज को इग्नोर करके, विचारधारा संस्कृति को इग्नोर करके, तो ऐसा नेता देश को कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि वो वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी हो सकता है। महिलाओं को देखिए, शुरू से ही हर नॉलेज से उनको दबाया गया है, वंचित रखा गया है। लेकिन मैं तो यही अपील करूंगी सारे धर्म जाति महिलाओं से कि वो संविधान को पढ़े और जाने, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के जो रचयिता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, बाबा साहब ने पुरुषों के लिए तो जो किया सो किया, लेकिन किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संगठन, वर्ग जो भी है, सारी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और बाबा साहब का अंतिम संदेश, मैंने जो भी किया है बहुत मुश्किलों को पार करके किया है और मेरी पूरी ज़िंदगी विरोधियों से लड़ते हुए ही गुजरी है। आज जहाँ ये कारवां खड़ा है वहाँ तक मैंने इसे बहुत मुश्किलों से पहुँचाया है। ये कारवां तमाम मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद इसे आगे बढ़ाते रहना, अगर मेरे ये लोग कारवां आगे नहीं ले जा सकते तो इन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ ये आज है, पर किसी भी हालत में ये कारवां पीछे नहीं चलना चाहिए। ये मेरा आखिरी संदेश है, दृढ़ संकल्प होकर आओ और उन्हें बताओ, जाओ उन्हें बताओ। ये बैनर है मनोज कुमार, पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिजनौर का, और मैं पहुंचा हूं आज बिजनौर के धामपुर में, जहां पर बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूक महासम्मेलन किया जा रहा है। एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सुबह सुबह की तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ समता आवाज़ टीवी के माध्यम से, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस पूरे कार्यक्रम को मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह 10 बजे की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए बुक स्टॉल पर भारतीय जो बहुजनों का जो साहित्य है वो लगना शुरू हो गया है। बड़ा ही गौरवशाली आज का ये समागम होने वाला है। मैं आपको धामपुर के एम इंटर कॉलेज से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको देखिए किस तरह से मंच के चारों तरफ जहाँ जहाँ पब्लिक बैठेगी किस तरह से बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों को स्थान दिया गया है। जहाँ तक नजरें जा रही हैं चारों तरफ बहुजन महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं उनको मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। दिखा रहा हूँ धामपुर से सुबह सुबह का ये नज़ारा, जहाँ पर बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूक महासम्मेलन का आयोजन रखा गया है, जिसमें मंच संचालन परम पूज्य बंदे सुमित रतन थेरा जी करेंगे। और आप देखिए बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का होने वाला है। सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जहाँ पर जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, लगभग 50,000 आदमी के बैठने की सीटिंग का यहाँ इंतजाम है। तो हम सुबह के लगभग 10 बजे हैं और कार्यक्रम लगभग 12 बजे शुरू होना है। यहाँ सब बराबर है और आपको देखिए, आपके यहाँ भी जब कोई मेहमान आता है तो आपके सामने बिछाएंगे और हमारे जो अतिथि गण या खनवाली आपसे मुलाकात हो रही है, शायद इस स्टेज पर ये भी लग रहा आपके बीच पिछले दिनों के कार्यक्रम में आप सभी से गुजारिश है कि तशरीफ लाइए। आप कार्ड है क्या आपका? नहीं कार्ड नहीं है। कौन सा टीवी है? समता आवाज टीवी। हाँ यस, तो मुझे लगता है हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए हमने यहाँ से लोग यहाँ पर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी,
जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं अंजू लता एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ से हूँ और मैं अपने पूज्य भंते गुरु जी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। और हम लोग इस ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जिस जो हम अपने संविधान की पूजा भी करते हैं, उससे नॉलेज भी लेते हैं और हम इसी के बारे में जागरूकता फैलाने आए हैं। और जो इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा, इसको जानेगा, वही देश पे राज कर पाएगा। अन्यथा ऐसे ही पीछे चलते रहेंगे, भीड़ में हम शामिल रहेंगे और भीड़ में चलते ही चलते किसी दिन गुम हो जाएंगे। महिलाएं किसी भी धर्म जाति की हो, संविधान के प्रति उसमें उनमें रुचि नहीं है। महिलाओं को देखिए, शुरू से ही हर नॉलेज से उनको दबाया गया है, वंचित रखा गया है। लेकिन मैं तो यही अपील करूंगी सारे धर्म जाति महिलाओं से कि वो संविधान को पढ़ें और जानें, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के जो रचयिता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, बाबा साहब ने पुरुषों के लिए तो जो किया सो किया, लेकिन किसी भी जाति धर्म समुदाय संगठन वर्ग जो भी है, सारी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और उनको जो है कि उबारा है, उनका हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया है, क्योंकि सारी महिलाओं की स्थिति वही रही है समाज में जो शूद्रों की रही है, वो चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे किसी भी संगठन की हो, चाहे किसी भी जाति की हो। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप किसी भी जाति धर्म संगठन में ना पढ़िए, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को आगे लाइए, किसी के पीछे ना चलिए। आप खुद अपने आप में एक शक्ति हैं। अगर जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगी, आपको किसी के पीछे ना चलने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, आप खुद अपना एक मिसाल दे पाएंगी। तो आप संविधान को पढ़िए और जानिए, तब जा करके आप अपना बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूक सम्मेलन कर रहे हैं, किस तरह का संदेश रहेगा? और खासकर जिस क्षेत्र में आज सम्मेलन है धामपुर में, यहाँ पर पहले भी आपने कार्यक्रम किया था और आज पुनः कार्यक्रम करें, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये कार्यक्रम सतत चलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पूरे देश में संविधान बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान की जागरूकता के लिए हम लोग लगातार 2 साल से पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है। आज बहुजन मैत्री और संविधान जागरूकता जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें देश विदेश से तमाम विद्वान लोग आ रहे हैं, बाबा साहब का परिवार आ रहा है, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु लोग आ रहे हैं और अलग अलग बहुजन समाज के अलग अलग परिवारों के वंशों के लोग आ रहे हैं और बैठ करके ये तय करेंगे कि जब तक भारत में बहुजन मैत्री नहीं करेगा, तब तक यहाँ कोई शासक नहीं बन सकता है। अलग अलग अपनी अपनी जातियों से मोहब्बत करोगे, MP MLA बन सकते हो, लेकिन देश का शासक नहीं बन सकते हो। और संविधान जिसने हमें सब कुछ दिया, आज इस संविधान पर बहुत बड़ी आँच है। संविधान को लोग ख़त्म करना चाहते हैं, इसे सेकुलर भारत की बजाय एक धर्म का भारत बनाना चाहते हैं। तो हम सब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग मिलकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि लोकतंत्र ही हमें और हमारे समाज को आगे बढ़ाता है, ना कि साम्यवाद और ना पूंजीवाद। ये सरकारें पूंजीवाद और साम्यवाद की तरफ जा रही हैं और भारत के संविधान पर खतरा मंडरा रही हैं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा करके संविधान को संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। भंते जी, ये कार्यक्रम नहीं लगता आपको कि जो हमारे राजनेता हैं, जिनको नेता बनना है, बड़ा बड़े अधिक उनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, या सामाजिक संगठन है जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, उनको करने चाहिए? आप तो फिर भी पूज्य भिक्खु हैं आपका, तो आप लगातार इस तरह काम कर रहे हैं। राजनीतिक लोग कार्यक्रम करते हैं जब उन्हें राजनीति करनी होती है। इस मिथक को हम बदलना चाहते हैं। पहले समाज है और फिर समाज के लोग हैं, तब जाकर के वो नेता बनता है। और अगर वो पहले नेता बनता है समाज को इग्नोर करके, विचारधारा संस्कृति को इग्नोर करके, तो ऐसा नेता देश को कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि वो वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी हो सकता है, वो विचारधारा की किसी काम का नहीं है। इसलिए नेताओं को से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी जड़ से जुड़े रहिए। जो सबसे बड़ी विचारधारा पूरी दुनिया की है, बुद्ध फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, उससे जुड़िए और जुड़ करके हम पूरे भारत को फिर बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं। बंदे, आपको नहीं लगता तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुजनों की इस समय वर्तमान में चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही हैं, या कहें कि देश पर राज नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में बहुजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, तो क्या कुछ नया विकल्प ऐसे समाज के पास ऐसा है? देखिए, इन लोगों को अपनी नाक छोटी करनी पड़ेगी और दिल बड़ा करना पड़ेगा।
और अगर ये नाक बड़ी करके रहेंगे, दिल छोटा करके रहेंगे, तो वो कभी भी इस भाजपा के भारत में और आरएसएस के भारत में कभी भी वो शासक नहीं बन सकते और मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। इसलिए छोटे छोटे सभी दलों को और सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक राजनीतिक धार्मिक उन्नति कर पाएंगे। शुरुआत नहीं हो पा रही है, बनते ही कहे तो सभी रहे हैं। हमारा निवेदन सबसे है, आप कहेंगे तो हम घर घर भी सबके चले जाएंगे, हम जाने को तैयार हैं, हाथ जोड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनके हाथ पैर भी हम पानी से धुल देंगे, लेकिन कहीं तक उन्हें इस बहुजन मैत्री अभियान पर चलना होगा, तभी वो लंबे समय तक स्थापित हो पाएंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं से क्या अपील है? मेरी अपील यही है कि सभी बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा का साथ दें, व्यक्ति की गुलामी ना करें, संगठन की गुलामी ना करें, जो विचारधारा की बात करेगा, जो बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की बात करेगा और जो संविधान की बात करेगा, वही भारत पर राज करेगा, ऐसा हम भाव बनाएं, ये मेरी।